मोनिका वर्मा और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। और आज हम आ गए हैं लखनऊ में और इस वक्त हमें लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल में, जहां पर कल बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी बहन मायावती जी समाज को संबोधित करेंगी काशीराम जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आने लगे हैं माननीय श्री काशीराम जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हम इस लायक हैं कि हम यहाँ पे आए, हम लोग मेरठ ज़िले से आए हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी इतने सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने इतना सब कुछ किया है, मतलब इतनी सारी हमारी जनता है, काफ़ी अच्छा लोगों के लिए किया है, तो इस बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सब कुछ अच्छे से रहे और भी जनता भी उनको सपोर्ट करे आगे के लिए, और भी ताकि उनके सपोर्ट से भी बहुत कुछ आगे हो। और जितनी भी आजकल के टाइम में पॉपुलेशन है, लोग पढ़े लिखे हैं सब, ऐसे ही आजकल के युवा नौजवान आगे बढ़े। और बहुजन समाज पार्टी के लिए आप और क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या लगता है कि वो अगले इलेक्शन में वो जीतेंगी? यस, फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हम लोग। हाँ सर, तो बताइए आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं? हम जनपद मेरठ से आए हैं और शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र हमारा है और यहाँ हम जो है माननीय काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आए हैं। और यहाँ से लखनऊ से हमारा जो मेरठ पड़ता है, हमारी जो विधानसभा 550 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन हमें ऐसे हमारे जी हमारे दलितों के अपने त्यौहार हैं, यदि हमें इन त्यौहारों के लिए बार बार भी यहाँ लखनऊ आना पड़े तो हम बार बार आएंगे और उनका हम सपना साकार करेंगे जो बाबा साहब ने देखा था, समतामूलक समाज का जो सपना बाबा साहब ने देखा था भारत में, जो माननीय काशीराम साहब ने देखा था, उसे हम सब जितना बहुजन समाज है हमारा, हम सब मिलकर उनका सपना पूरा करेंगे माननीय काशीराम साहब का। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में हम जो है बहुजन समाज पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को 2022 में सर्व समाज का साथ मिलेगा। और इसमें जो है जैसे बहन जी ने 2007 में सर्व समाज का ध्यान रखा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा, ऐसे ही ध्यान माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2022 में सर्वजन का ध्यान करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ सर, बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मीडिया बंधु को। मैम, मेरा जिला मेरठ पड़ता है, कैंट विधानसभा में हम काम करते हैं बहुजन समाज पार्टी में। मैम, आज की डेट को देखते बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि बेरोजगार, किसानों की हत्या, दलितों को दबाया जा रहा है, उनकी हक की लड़ाई उनको नहीं दी जाती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। हम तो सर यही कहना आए हैं कि 2022 में जो मिशन है वो बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और आग्रह करता हूँ कि मीडिया बंधु से वो भी हकीकत को दिखाए, हकीकत छुपाने का काम ना करें, क्योंकि होता कुछ और है और मीडिया बंधु दिखाते कुछ और है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी ही गरीब लोगों को पड़ती है, और आगे भी ऐसा कदम देखने को मिलेगा तो हम लोग फिर सड़कों पर उतर जाएंगे। और पूरे दिन की थकान भरी शूटिंग के बाद अब एक भाई मिले हैं, वो कहते हैं कि परदेश में कोई अपना मिल जाता तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। वह भाई मिले हैं मुझे और देखिए दिल्ली से पहुंचे हैं, मैं सुबह पहुंचा था, वह भाई दोपहर में पहुंचे हैं और हम इस समय बिल्कुल ठीक स्मारक के अंदर हैं, जहां पर कल बिल्कुल पीछे स्मारक के सामने जो मंच दिखाई दे रहा है वहाँ से बहन जी सभी को संबोधित करेंगे। किस तरह का रोमांच लग रहा है, इतने साल बाद एक ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला? बड़ा कार्यक्रम है अभी, और अधिकतर लोग जो हैं वो रात को चले हैं जी, क्योंकि लखनऊ की जर्नी ओवरनाइट जर्नी, उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में से आप ओवरनाइट आ सकते हैं, तो कोई भी एक दिन पहले नहीं पहुंचा है, कोई तुक भी नहीं है, रात को लोग चले हैं 5 बजे 6 बजे, और सुबह तक आप देखिएगा 6-7-8 बजे तक यहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। और पुरानी एक तस्वीर इसकी वायरल है, आपने देखी होगी, यहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं इसके ऊपर जी जी, और उस पूरे कार्यक्रम में मैं आपको बताऊँ भगदड़ भी मच गई थी, 3 लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी, वो इतना बड़ा कार्यक्रम जी, भगदड़ मच गई थी उसमें। और बसपा के कार्यक्रम में क्या इतनी ज्यादा भीड़ आती है, चार बाग में एक बार बहुत पहले जब बहन जी की सभा हुई थी तो चार बाग स्टेशन में भगदड़ मच गई थी जी 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 जी, उसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये इतिहास है, पूरा कुर्बानियों में शामिल है, इसीलिए बहुजन समाज से बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम इनसे पंगा लें या इनके साथ में किस तरह की छेड़छाड़ करें, जान की बाजी लगा के आते हैं अपनी रैलियों में।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।